लॉकडाउन में घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी है, सुनोगे तो जहाँ खड़े हो वही झूम उठोगे। अच्छा वो रामायण सीरियल सभी को याद होगा और सब लोग साथ में बैठ के देखते थे, लेकिन अब एक बार फिर आपका पूरा परिवार साथ बैठ के देखेगा, क्योंकि एक बार फिर रामायण का टेलीकास्ट होने जा रहा है और वो भी एक टाइम नहीं बल्कि दो टाइम, सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। तो आप लोगों को बोर होने की कोई जरूरत नहीं है। रामानंद सागर की रामायण और बीआर चोपड़ा के शो महाभारत को भला कोई कैसे भूल सकता है। 90s के सुनहरे दौर में इन दो सीरियलों ने जो सफलता की इबारत लिखी थी उसे फिर से न दोहराया जा सका और ये ऐतिहासिक साबित हुए। लेकिन अब लोगों को रामायण और महाभारत फिर से दूरदर्शन चैनल पर देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर रामायण और महाभारत को दूरदर्शन पर फिर से टेलीकास्ट किए जाने की मांग उठी थी। इसे लेकर प्रसार भारती, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सीईओ शशि शेखर ने कहा कि वे जिन लोगों के पास रामायण और महाभारत की राइट्स है उनसे बात करेंगे। लेकिन अब फाइनल हो गया है कि रामायण को फिर से टेलीकास्ट किया जा रहा है और इसकी अनुमति भी मिल गई है। इस अपडेट के बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर तहलका ही मच गया, हर जगह रामायण की बातें होने लगी कि अब तो सुबह शाम हम बैठ के रामायण देखने वाले हैं। फैंस ने 90 के दशक के सीरियलों को लेकर अपनी फरमाइशें करना शुरू कर दी और उस सुनहरे दौर के हिट शोज की लिस्ट निकालकर ट्विटर पर शेयर भी कर दी है। आप सभी को पता है रामायण शुरू होते ही गलियां हो जाती थी सुनसान। 90s में रामायण और महाभारत का जलवा ऐसा था कि गलियों से लेकर सड़कें तक सुनसान हो जाती थी। रामायण की लीड किरदार यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को तो लोग सचमुच ही भगवान राम और सीता का स्वरूप समझने लगे और आशीर्वाद लेने आते। आज टीवी की दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी में भी नई नई चीजें आ गई है जिसकी मदद से किसी भी सीन को दमदार बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के युद्ध वाले दृश्य बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के तैयार किए गए थे? तो हो जाइए तैयार रामायण देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।